गुड आफ्टरनून बच्चों, अभी तक हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लिए फर्स्ट सेकंड। आज हम लोग हिंदी व्याकरण करेंगे, ठीक है। हिंदी व्याकरण इसमें आपको ये हिंदी व्याकरण जो है उसमें कई खंड में बांटा गया है। तो पहला खंड है जैसे खंड एक, इसमें हम है आपठित बोध, ठीक है, आपठित बोध। खंड दो में है तकनीकी व्याकरण, फिर खंड तीन में व्यवहारिक व्याकरण, खंड फोर्थ में है रचनात्मक लेखन। और खंड फिफ्थ में है आपका सौंद्र बोध, ठीक। पांच खंड हम लोग को पढ़ना है। रचनात्मक में आप क्या है जो आपके अनुच्छेद लेखन होते हैं, निबंध होते हैं, पत्र लेखन होते हैं, ठीक है, संवाद लेखन, ये सब चीजें, प्रतिवेदन, सार, कहानी, इतनी चीजें आपके रचनात्मक लेखन में आएगी। सौंदर्य बोध में है आपका रस और अलंकार, और आपठित बोध में आपको दो चीज करना है, इसमें आपठित गद्यांश है और दूसरा है आपठित पद्यांश। तो आज हम लोग चलेंगे आपठित बोध वाला, पहले बता दे रहे हैं। इसमें आपकी दो चीज है, पहला क्या है आपका आपठित गद्यांश, और सेकंड है आपका आपठित पद्यांश। जो पहला है इसमें क्या बताया गया है, कैसे करते हैं हम आपको बता दे रहे हैं। आपठित गद्यांश में आपठित का अभिप्राय मतलब अर्थ है जिसे पहले ना पढ़ा गया हो। इसमें क्या है, आपठित का ही अर्थ समझ में आ रहा है, शब्द से ही समझ में आ रहा है जिसे पहले हम लोग कभी नहीं पढ़े हैं। उसमें क्या होता है, इसमें ज्ञान एवं बोध को जानने के लिए भी यह आवश्यक है। क्यों आपठित गद्यांश को क्यों शामिल किया गया, कि आपके ज्ञान को जानने के लिए कि आपने जितना पढ़ा है, जो चीज आप कर रहे हो वो आप कितना समझ सकते हो, उन्हें आपठित गद्यांश भी दिया गया। इसका नाम आपठित गद्यांश या ऐसा अंश जो उन्होंने अब तक ना, जो आप लोगों ने
अभी तक ना पढ़ाओ ऐसा आपके गद्यांश। इसे हल करने के लिए क्या करते हैं, हम कुछ नियम को जानते हैं कि इसको कैसे हम समझते हैं कि कैसे हमको को हल करना है, इसका उत्तर हमें कैसे देना है। तो पहला क्या है आपका, सर्वप्रथम गद्यांश को कम से कम दो या तीन बार अवश्य पढ़ें। क्या बताया जा रहा, जो भी आपका गद्यांश है जिसे आप पहले नहीं पढ़े उसे क्या करोगे, आप दो से तीन बार पढ़ोगे। जरूरी नहीं है दो से तीन बार पढ़ो, अगर दूसरे बार में या एक ही बार में समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो दो या तीन बार पढ़ सकते हो। फिर जो कठिन शब्द है, जो ऐसे शब्द है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपको कठिन लग रहे हैं, तो उसे क्या करें, उस बिंदु को समझने की कोशिश करें कि आखिर में उसका मतलब क्या है। मतलब अगर कठिन शब्द लिखा है तो उसका अर्थ जानो कि उसका मतलब क्या है कहने का, तो उसके नीचे अंडर लाइन कर लो, लाइन मतलब खींचो। प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उन स्थलों की खोजें जहां संभावित उत्तर हो सकते हैं। आपने प्रश्न पढ़ा, आप अब उस गद्यांश में जाइए और देखिए कि इसका उत्तर यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं, जितने में भी मिल रहा है आप उस स्थान पर क्या करो, सर्कल करो या लाइन खींच लो। और जो भी प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर हमें अपने शब्दों में लिखना रहता है, उसका उत्तर क्या करोगे, तुम्हें अपने शब्दों में लिखोगे। शब्दों की सीमा निश्चित तो नहीं है किंतु संक्षेप में होनी चाहिए, मतलब बहुत ही ऐसा नहीं है कि आप गद्यांश को पूरी एक कहानी की तरह उत्तर में लिखो, नहीं, उसको क्या करोगे, उसको थोड़ा शॉर्ट में लिखोगे। पीयूष कुमार, यस मैम। देखो हम लोग का क्षितिज वाला चैप्टर दो कंप्लीट हो गया है, काव्य खंड और गद्य खंड में दो दो चैप्टर हो गया है, वित्तिका में एक हुआ है। आपकी तीन बुक है, पहले क्षितिज थी, फिर काव्य थी, क्षितिज कृतिका और तीसरी हिंदी व्याकरण, ठीक है। तो दो में तो हमने कंप्लीट करा दिया है, कृतिका में फर्स्ट चैप्टर हो गया और क्षितिज का दो दो चैप्टर हुआ है। पढ़े हो नहीं पढ़े हो जाके पढ़ लेना यूट्यूब से देख के। अब आज हमने स्टार्ट किया है हिंदी व्याकरण, ठीक है, अभी स्टार्ट किए हैं, फर्स्ट चैप्टर बता रहे हैं आपको, अपठित गद्यांश। जानते हो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है इसका? यस मैम। पढ़े तो हो गए ना, गद्यांश जो है कि आपको गद्यांश दिया रहता है, उसको पढ़ के आपको उसके प्रश्नों का उत्तर देना रहता है, ये तो पढ़े हो ना? यस मैम। तो यही पढ़ा रहे हैं, उसमें क्या होता है कि हमको पूरी एक स्टोरी टाइप के लिए लिखनी रहती है इसके उत्तर में, हमें जितना बस पूछ रहा है बस उसी को, ठीक। तो ये गद्यांश जो होता है वो आपकी कहानी से लिया जाता है और ये 10 से 15 लाइन की होती है, ये तो हो गया गद्यांश। अब जब आपके पास बुक रहेगी तब हम इसको सॉल्व करा पाएंगे, ऐसा तो कराएंगे नहीं। और जो आपका सेकंड है पद्यांश, उसमें क्या बताया गया है कि यह क्या है, जैसे अपठित गद्यांश होता है वो कहानी का हिस्सा होता है और अपठित पद्यांश किसका हिस्सा होता है, कविता का, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है अपठित पद्यांश का अर्थ होता है ऐसा पद्यांश जिसे पहले कभी ना पढ़ा गया हो, इसके अंतर्गत विभिन्न भावों की कविता उससे प्रश्नों का उत्तर पूछा जाता है, ठीक है। इनके भी वही नियम होते हैं कि इसको एक दो बार पढ़ो, जहां पे कोई कठिन शब्द आ रहा उसके नीचे अंडरलाइन करो, उसका अर्थ समझो, फिर प्रश्न को पढ़ो, आपका उत्तर जहां से मैच कर रहा है वहां पे आप लाइन खींचो और फिर अपने शब्दों में बना के उस उत्तर को छोटा रूप में लिखो, ठीक है। तो ये हो गया आपका अपठित पद्यांश, दोनों चीज समझ में आई? बोलो पीयूष कुमार। यस मैम। खंड एक में आपको दो एक ही चीज बताया गया अपठित बोध, जिसमें दो पार्ट है, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। अब हम सेकंड खंड पे चलते हैं, ठीक है।
बुक ले लीजिए तो इसको हम सॉल्व कराते चलेंगे पैसेज वाला। रफ करें इसको। खंड दो में आपका है तकनीकी ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है आपका पार्ट एक भाषा बोली लिपि और व्याकरण ठीक है। पहले में हम लोग क्या पढ़ेंगे देखो है तो इसका चैप्टर का नाम एक ही भाषा बोली लिपि और व्याकरण, लेकिन हम इसके एक एक चीज को लेके चलेंगे ठीक है। पहले हम भाषा के बारे में जानेंगे, फिर बोली, फिर लिपि और फिर व्याकरण के बारे में। जो आपने अभी तक एक तक में पढ़ा है वही चीजें है, बस थोड़ा सा और इसको बढ़ा दिया गया है ठीक। चले स्टार्ट करें। पहले जानते हैं कि भाषा किसे कहा जाता है। भाषा का अर्थ होता है बोलना या कहना। हम लोग क्या है, हम लोग को कैसे भाषा की आवश्यकता हुई कि हमें बोलना चाहिए, कैसे प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था जो आदि मानव लोग थे वो क्या किए थे, पहले तो वो लोग बोलना नहीं जानते थे, जंगल में रहते थे, शिकार करते थे, कच्चा मांस खाते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे उनमें बदलाव हुआ। क्या बदलाव हुआ? पहले अकेले वो रहते थे, फिर दो के साथ, फिर सबके साथ रहना प्रारंभ किए। जब सबके साथ रहने लगे तो अपनी बात को कैसे बोले वहां उनसे ठीक है। हमें क्या है, जैसे अब हम एक क्लास में रहते हैं तो क्या बिन बोले आप लोग रह लोगे? नहीं रह पाओगे ना। हमें बिन बोले हम नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें भाषा की आवश्यकता होगी उस टाइम, हमें बोलना है ठीक। यहाँ पे यही चीज बताया जा रहा है कि हमें कैसे ये भाषा की आवश्यकता हुई। तो ये आदि मानव के समय से हुई थी, जब वो प्रारंभ में जब समूह में रहने लगे थे, पहले तो वो अकेले रहते थे, फिर एक साथ जब रहे तो उन्हें क्या हुआ, जरूरत पड़ी अपनी बात को कहने का। तभी से उन्होंने कुछ चिन्हों का प्रयोग करके उन्होंने धीरे 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 बोलना प्रारंभ किया ठीक। यही यहाँ पे कहा जा रहा है भाषा का अर्थ होता है बोलना या कहना, अर्थात कहने का भाषा वाय जिसे हम बोला जाए। भाषा का संबंध व्यक्ति के विचारों से होता है। हमारा संबंध किससे होता है? हम जो बोल रहे हैं क्या है, वो हमारे विचार बोलते हैं ठीक है। जो आप बोल रहे हैं वो आपके विचार बोल रहे हैं। तो इसी तरह सभी लोग हैं जो बोलते हैं वो उनका विचार होता है ठीक है। फिर उसके बाद क्या बताया गया है कि जब हम इसके संदर्भ में क्या कहा गया है कि विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। जो हमारा विचार है, जो हमारी भाषा, उसमें सिर्फ थोड़ा ही अंतर है। विचार क्या होते हैं? वो मूक रूप में उठते हैं। मूक का अर्थ जानते हो? बताइए, मूक मतलब जानते हो क्या होता है? देवश कुमार बोलो। नहीं मैम, नहीं पता। इसका मतलब होता है बिना बोले, जिनके जो बोलते हैं मूक बाधिर, नहीं सुने हो, जो बोल नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते हैं, ऐसा शब्द सुने होंगे कभी
तो विचार हमारे क्या क्या विचार हमारे बोलते हैं नहीं, विचार हम क्या करते हैं सोचते हैं। हमारे दिमाग में जो विचार है वो किससे हो रहे हैं, हमारे सोचने से हो रहे हैं, हमारे ज्ञान से हो रहे हैं। तो यही कहा जा रहा है जिसमें बोला गया है कि विचार और किसमें, भाषा में सिर्फ थोड़ा ही अंतर है, यही एक अंतर है कि विचार हमारे क्या होते हैं, मुख होते हैं जिसे जानी जाता है, कहा नहीं जा सकता है। लेकिन विचारों को जब हम एक रूप प्रदान करते हैं तो वह भाषा बन जाती है। हमारे अंदर एक विचार आया, आया कि नहीं कि हमें ऐसा करना है, आपके अंदर क्या आया विचार? जैसे मान लीजिए क्लास नाइन्थ में हो, हमारे अंदर आया कि हमको पढ़ना है, अगर नाइन्थ हम नहीं निकाल पाएंगे, अगर अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो हम टेंथ भी उसी तरह मेरा रहेगा। तो आपका विचार क्या था? पहले मुख था, विचार आपके नहीं बोल रहे थे, लेकिन आपने उसे भाषा का रूप दिया। दिया कि नहीं, कि भाषा का रूप कैसे दे दिए? बोलकर कि हमें अब पढ़ना है, ठीक है, स्टार्ट कर देना है। तो यही चीज कह रहा है कि जब इन्हें कोई रूप दे दिया जाता है तो वह भाषा बन जाती है। भाषा के मूल में ध्वनि होती है जिसका उच्चारण नाक व मुख के माध्यम से किया जाता है। हम लोग नाक या मुंह से, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 7-8 में पढ़ाए हैं, स्वर व्यंजन अनुनासिक आयोगवाद सब पढ़ाए, उसी से ये सब का क्या होती ध्वनि निकलती है। इन ध्वनियों का लिखित रूप ही हमारा क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है, ठीक है। अब क्या था, अब इन वर्णों को जैसे का खा ये सब होता है, ठीक है, जैसे का ले लिया, मा ले लिया, प्लस ला, ये हमारे क्या है? हमारे वर्ण है। जब हम इनको मिला देते हैं तो एक शब्द बन जाता है। शब्द क्या बनता है हमारा? कमल, ठीक। इसका एक अर्थ निकला कि नहीं? अभी तक हमारा ये क्या था? ये अभी तक हमारा था वर्ण। जब हमने इसको जोड़ा, वर्णों को मिलाया, तो एक शब्द की रचना हुई जो हमारा कहलाया कमल, ठीक। यहाँ पे यही भाषा वर्ण के बारे में बताया जा रहा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्रम चलता है सबका, जैसे पहले वर्ण था, फिर उसके बाद शब्द आया, फिर वाक्य आएगा, फिर आपका एक पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ के बाद आपकी एक स्टोरी आएगी, स्टोरी के बाद आपका एक चैप्टर आएगा, चैप्टर के बाद ऐसे धीरे धीरे कई चैप्टर होंगे, तो उससे जाके आपकी एक बुक बनती है। इसी तरह भाषा का विस्तार होता गया, ठीक। अब देखो किसे कहते हैं ये जान लो, पता है भाषा किसे कहते हैं? परिभाषा बताओ, पढ़े हो क्लास 8 में भाषा, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, कि एक परिभाषा बताओ क्या होती है? नहीं पता, चलो पढ़िए, ठीक है। बुक नहीं है तो क्लास 8 या 7 की बुक उठा के पढ़िए, लेकिन जानिए कैसे कहा जाता है। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखकर, बोलकर अथवा संकेतों द्वारा प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को वो समझता है। जब हम भाषा का क्या होता है, जब आदान प्रदान होता है, जब हम आपकी बातों को समझ रहे हैं, आप हमारी बातों को समझ रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे मौखिक रूप में हो, चाहे लिखित रूप में हो, चाहे वह सांकेतिक रूप में हो, हमें विचारों को आदान प्रदान करना रहता है। यही हमारा क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। क्लियर है इतनी चीज? बोलो, समझ में आया यहाँ तक? अब इससे संबंधित क्या है, कुछ बिंदु हैं। क्या है वो, कि मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? भाषा का कार्य है बोलकर, लिखकर और विचारों को प्रकट करना, ठीक। सेकंड है, यहाँ पे मुख्य बिंदु है, अगर बुक ले लोगे तो पढ़ोगे तो समझ में आएगा, दिख रहा है पीयूष कुमार? यस, बोलो, ठीक।
तो पहला क्या है, भाषा एक व्यवस्था है, ठीक। भाषा का कार्य क्या है, जो अभी बताया, बोलकर लिखकर विचारों को प्रकट करना। वर्ण से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं, ये आप जानते हैं। प्रत्येक भाषा का अपना नियम है, जो भाषा मतलब हर भाषा का अपना एक नियम होता है। जैसे हिंदी भाषा का अपना नियम है, उसी तरह इंग्लिश भाषा का अपना नियम होगा, उर्दू संस्कृत सबका अपना अपना क्या है, नियम है। सिद्धांत एवं व्याकरण होता है। भाषा का उद्देश्य विचारों का आदान प्रदान करना है, इसका मेन एम क्या है, आदान प्रदान करना। भाषा के बिना मानव समाज में पंगु है। जब हम अपने विचारों अपने भावों को हम किसी के सामने रख ही नहीं पा रहे हैं तो हम क्या हैं, हम उनके बिना अधूरे हैं, ठीक है। भाषा में शब्द और वाक्य रहते हुए भी अर्थ में मुख्य स्थान होता है, ठीक है। शब्द और वाक्य के रहते हुए भी उसका अलग एक अर्थ निकलता है। प्रकार हम बता दिए हैं, तीन प्रकार के होते हैं, बोलकर लिखकर और संकेत द्वारा, जिसे हम कहते हैं मौखिक, लिखित और सांकेतिक, ठीक। फिर उसके बाद आता है कैसे कैसे धीरे धीरे हमारे भाषा का विकास होता गया, ठीक, कैसे कैसे हम आगे बढ़ते गए। तो सबसे पहले क्या था हमारा, आर्य भाषा का विकास। पहला हमारा क्या था, आर्य भाषा का विकास। ठीक है, पहला क्या है हमारा, आर्य भाषा का विकास कैसे हुआ। आर्य भाषा कई चरणों में विकसित की गई। जो ये भाषा है आर्य भाषा, वो उसको कई चरणों में बताया गया है, या कह सकते हैं इसी को पड़ाव। जैसे हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं तो उसमें कई खाने बने होते हैं, तब जाके हम अपने मंजिल की ओर पहुंचते हैं, उसी तरह आर्य भाषा का विकास भी है। पहला क्या था हमारा, इसमें पहला था हमारा संस्कृत, ठीक। इसमें क्या था, भारतीय आर्य भाषा के प्राचीनतम उदाहरण ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। जो संस्कृत के कुछ हैं वो कहाँ से प्राप्त किए गए हैं, ऋग्वेद से प्राप्त किए गए हैं। यद्यपि ऋग्वेद की रचनाएं विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर की गई है, किंतु उनका संपादन किसी एक व्यक्ति द्वारा ही हुआ है, जिससे उसकी भाषा में बोली भेद होते हुए भी एक मिलती है। ऋग्वेद की यह भाषा साहित्यिक जो तत्कालीन बोलचाल की भाषा से निश्चित रूप से भिन्न रही होगी। बोलचाल की भाषा में परिवर्तन होता रहा, हम कहें ना भाषा का जो विकास था उसमें परिवर्तन भी होता गया। आर्यों की भाषा का यह साहित्यिक रूप संस्कृत नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसमें साहित्य रचना होती रही, ठीक। जिसमें रचना, ठीक। फिर आपका आता है इसके बाद सेकंड पाल। इसमें क्या बताया गया था, जिस समय मध्य प्रदेश में मध्य देश में संस्कृत साहित्य भाषा के स्थान पर प्रतिष्ठित थी,
उस समय की मध्य देश की बोलचाल की भाषा का रूप उपलब्ध नहीं होता है, किंतु उस समय कौशल की बोली चाल बोलचाल की भाषा तथा साहित्यिक भाषा का मिश्रित रूप था। इसके उदाहरण पहल अशोक की धर्म लिपियों में मिलते हैं। इसका उदाहरण किसमें मिला है? पहल अशोक की धर्म लिपियों 250 को ठीक। फिर उसके बाद क्या आई आपकी? प्राकृत। बोलचाल की भाषा में निरंतर परिवर्तन हुआ, यही बार बार बताया जा रहा है कि परिवर्तन होता ही रहा। अशोक की धर्म पालियों की भाषा के बाद में प्राकृत नाम से प्रसिद्ध हुई। संस्कृत के साथ साथ इन प्राकृतों का भी साहित्य में व्यवहार होने लगा और इनके व्याकरण भी लिखे गए। इसका अर्थ क्या था कि ये सब जगह पे विभिन्न जो प्रदेशों हैं उनकी जन भाषाएं, जो जन मतलब होता है लोग, जो लोगों की भाषा थी, उनमें क्या होता गया, जन भाषाएं थी जिनमें से कुछ बाद में साहित्यिक भाषा के पद पर प्रतिष्ठित होती रही। ठीक है। सब विभिन्न प्रदेशों की जन भाषा। फिर है उसके बाद लास्ट में आपका क्या आया है? लास्ट में आपका आया अपभ्रंश। इसमें क्या था? एक समय बाद विकास रुक गया। क्या था अभी तक? इनमें विकास होता क्या था? बोलचाल की भाषा में परिवर्तन आता क्या? लेकिन एक समय बाद क्या हुआ? विकास रुक गया, पर बोलचाल की भाषाएं निरंतर विकसित होती रही। हमारी जो बोलचाल आम भाषा थी वो हमेशा विकसित होती रही। फिर उसके बाद क्या है? बोलचाल की इन भाषाओं को, जो बोलचाल की हमारी जो भाषाएं हैं उन्हें हम क्या कहे हैं? अपभ्रंश का मतलब होता है टूटी फूटी या बिगड़ी हुई भाषा, अथवा इसे क्या कहते हैं? खिचड़ी भाषा। खिचड़ी क्या होती है? जो हम लोग घर में बनाते हैं, अगर ऐसे ले लो तो उसमें क्या रहते हैं, हम लोग हर चीजों को मिला देते हैं। चावल ले लिया, आलू ले लिया, मटर ले लिया, गोभी ले लिया, मिर्चा, तो क्या है वे, एक तरीके से खिचड़ी बनी। उसी तरह यहाँ पे कहा जा रहा है, जो टूटी फूटी हुई भाषा होती है उसको मिलाने पर उसी को हम लोग अपभ्रंश भाषा कहे हैं। इनका विकास विभिन्न प्रदेशों में बोली जाने वाली प्राकृतों से हुआ है। सारांश यह है कि जो भाषाएं आप प्रचलित हो गई थी उनके स्थान पर क्या आ गई थी? अपभ्रंश भाषा का प्रयोग होने लगा। ठीक,
यहाँ तक समझ में आया आपको? बोलो पीयूष कुमार, समझ में आया यहाँ तक? बोलिए तो फिर आगे बढ़े। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या था, ठीक है, धीरे धीरे ये भाषा से हिंदी के विभिन्न रूप बदलते गए। जैसे पहले मानक हिंदी आई, फिर मातृभाषा आया, फिर क्या आई राजभाषा, फिर राष्ट्रभाषा, फिर उर्दू। राजभाषा मातृभाषा आप जानते हैं, जो बच्चा पहला जब जन्म लेता है, जो अपने परिवार अपने आस पड़ोस से जो सीखता है, वो हमारी मातृभाषा होती है। राजभाषा क्या होती है, जो हमारे कार्यालय में या कह सकते हो सरकारी दस्तावेज में जो प्रयोग की जाती है, उन्हें हम राजभाषा कहते हैं। और राष्ट्रभाषा क्या होती है, जो हम अपने राष्ट्र में प्रयोग करते हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ये बोलो, बुक कभी नहीं लिए हो पीयूष कुमार? नो मैम, अभी नहीं। कब तक नहीं लोगे बेटा, ले लो, ऐसे कैसे पढ़ोगे? क्षितिज में बताओ, कृतिका में दो दो चैप्टर हो गया है, कैसे कंप्लीट करोगे? हम तो सिर्फ आंसर लिखवा रहे हैं ना, कहाँ से प्रश्न पाओगे बताइए? दिक्कत होगी आगे चल के, क्योंकि जो ये वाली बुक है आपकी हिंदी व्याकरण, ये दोनों 9 और 10 दोनों के लिए, ठीक, तो इसको ले लो, जरूरी है। ठीक है, और कुछ पूछना है? इतना बताएं, आज समझ में आ गया? Yes, जब तक बुक नहीं ले पा रहे हो तो अब तुम्हारे पास 8th की या 7th की कोई बुक होगी, उसको उठा के जो चैप्टर है स्टार्टिंग का, फर्स्ट सेकंड चैप्टर, पहला ही चैप्टर होता है आपका भाषा बोली लिपि व्याकरण, यही सिखाया जाता है, तो उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, ये आप जब तक व्याकरण पढ़ेंगे आपको ये चीज पढ़ना ही रहेगा, इसलिए इसको पहले मजबूत करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे का पढ़ा जाएगा। ठीक है। Yes.